वी आर गोइंग टू मेक अ काइट. तो अपन काइट में कोलाज वर्क करेंगे. कोलाज वर्क क्या होता है, पेपर को टेयर अप करते, फाड़ते और ड्राइंग में पेस्ट करते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ काइट. पहले अच्छे से एक सुंदर सी काइट ड्रॉ करेंगे. ऐसे और इसके आसपास कुछ क्लाउड्स बना लेंगे. ठीक है, अब क्या करना है, जैसे हम कलर करते हैं ना वैसे ही हमको ये पेपर पेस्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले फेविकॉल लगाएंगे. फेविकॉल को कहाँ लगाना है, पेपर पे लगाना है, आपकी कॉपी पर. अब येलो पेपर, आप कोई सा भी बचा हुआ पेपर ले सकते हैं. मेरे पास में येलो पेपर था तो आई एम यूजिंग येलो. और यहां पर इसे पेस्ट करते जाना है इसको, और एक के ऊपर एक पेस्ट नहीं करना है. जैसे ये वाला पेस्ट करा है तो अब इसके पास में से पेस्ट करेंगे और छोटा छोटा फाड़ेंगे. बहुत बड़े बड़े पेपर नहीं टेयर आउट करना है. ऐसे लाइक दिस यू हैव टू कीप ऑन पेस्टिंग ऑन इट. ऐसे पेस्ट करते जाना है उसको. लाइक दिस यू हैव टू पेस्ट द पेपर. और पेपर अच्छे से फाड़ेंगे. फेविकॉल को अपने हाथ में नहीं लगने देना. अगर फेविकॉल आपके हाथ में लगेगा ना तो पेपर गंदा हो जाएगा. लाइक दिस आप यहाँ नीचे ट्राइंगल में भी पेस्ट करते. सो लाइक दिस यू हैव टू डू. अब हम है ना यहाँ बीच में, आपने पतंग देखी होगी ना, पतंग में खूब सारे डिजाइन्स बने हुए रहते हैं. तो हम यहाँ पर बीच में एक सर्कल कट करके पतंग को डेकोरेट करेंगे लाइक दिस. ऐसे और ये क्लाउड्स पे हम कौन सा कलर करेंगे, स्काई ब्लू कलर. So like this you have to make the kite. And thank you.
एंड हैव अ नाइस टाइम. बाय बाय.